हेलो स्टूडेंट्स आई एम डॉक्टर स्मिता जैन मैं आपको प्लांट पैथोलॉजी एडवांस प्लांट पैथोलॉजी पेपर सेवेंथ ए की फर्स्ट टू यूनिट्स करवाऊंगी ओके तो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट पैथोलॉजी तो और सेकंड जो आज इस वीक में हम करेंगे वो हैगा हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ प्लांट पैथोलॉजी तो आज मैं आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन बताऊंगी कि व्हाट इज़ प्लांट पैथोलॉजी और कुछ ऐसी टर्म्स जो कि आपको पता होने चाहिए बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल्स ओके सो व्हाट इज़ फाइटोपैथोलॉजी या प्लान पैथोलॉजी एम एस सी प्रीवियस में भी आपके ये पेपर था और आप पढ़ चुके हैं फिर जस्ट टू रिवाइज इट इज़ द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चरल बोटैनिकल और बायोलॉजिकल साइंस विच डील्स विद द कॉज इटियोलॉजी रिजल्टिंग इन लॉसेज एंड मैनेजमेंट मैथड्स ऑफ प्लांट डिजीजेज ओके तो ये इसकी स्टडी है इट इज़ द स्टडी ऑफ दिस डिजीजेज इज़ कॉल्ड द फाइटोपैथोलॉजी अब नाउ वॉट इज ईटियोलॉजी कई बच्चे पूरी पैथोलॉजी पढ़ लेते हैं और उनको ये वर्ड नहीं पता ईटियोलॉजी होता क्या है तो इन जनरल लॉजी मीन्स स्टडी तो इट इज़ द स्टडी ऑफ कॉजेज ऑफ डिजीजेज तो स्टडी ऑफ कॉजेज ऑफ़ डिजीजेज इज़ कॉल्ड ईटियोलॉजी नाउ इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट पैथोलॉजी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस प्लांट डिजीजेस क्या होती हैं और फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर और स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी दैट इज़ हार्मफुल टू द प्लांट और ओनली इट्स पार्ट ऑफ प्रोडक्ट्स दैट रिड्यूस द इकोनॉमिक वैल्यू मीन्स प्लांट डिजीजेस क्या होगा फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकता है या फिर स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी हो जा हो सकती है जो कि प्लांट के लिए या उसके किसी भी प्लांट पार्ट के लिए हार्मफुल होती है और एज ए रिज़ल्ट ऑफ दिस जो प्रोडक्शन होएगा वो भी कम होएगा जिससे कि इकोनॉमिकल अपने को लॉसेस होते हैं तो टाइप्स ऑफ डिजीजेस डिपेंडिंग ऑन की डिजीज किससे हो रही है सबसे पहला होता है पैरासाइट्स और बायोटिक डिजीज़ जैसा कि नाम से ही पता है वो किससे होंगी किसी भी बायोलॉजिकल या लिविंग ऑर्गेनिज़म्स में होएगी सपोज़ फंगल डिजीज़ेज़ हो सकती हैं बैक्टीरिया प्रोटोजोआ एल्गी माइक्रोप्लाज्मा एक्सेट्रा तो जिसे भी यदि लिविंग ऑर्गेनिज्म से कोई डिज़ीज़ हो रही है तो वो किसके अंडर आएगी बायोटिक डिजीज़ के अंदर उसके अपोजिट आप दूसरी तरफ चलिए दीज़ आर नॉन पैरासिटिक और ए बायोटिक डिज़ीज़ एज़ uh, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है ए बायोटिक मीन्स वो किससे से होंगी एनवायरमेंटल फैक्टर्स से होंगी ये एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशन लाइक लो और हाई टेम्परेचर लैक और एक्सेस ऑफ सॉइल मॉइस्चर लैक और एक्सेस ऑफ लाइट लैक ऑफ ऑक्सीजन एयर पॉल्यूशन या टॉक्सिक गैसेस हो सकती हैं एटमोसफियर में उसकी वजह से डिजीज हो सकती है मिनरल डेफिशियंसिस हो सकती हैं किसी भी प्लांट के अंदर तो वो डेफिशिएंसी डिजीज़ में आएंगी सॉइल एसिडिटी है तो सॉइल बहुत ज़्यादा एसिडिक हो सकती है या एल्किलाइन हो सकती है उसके अलावा क्या होगा टॉक्सिसिटी पेस्टिसाइड्स जो आप स्प्रे करते हैं फील्ड्स के अंदर फार्मर्स उनकी वजह से भी टॉक्सिसिटी हो सकती है और इम प्रॉपर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस से भी डिजीजेस हो सकती हैं तो ये सारी चीज़ें जो कि एनवायरमेंटल रीज़न्स के कारण होती हैं वो आती हैं ए बायोटिक डिज़ीज़ के अंदर उसके बाद है मीज़ो डिजीज़ेस इसके अंदर हम स्टडी करते हैं जो कि वायरसेस और वायरोइड्स के कारण होती हैं बिकॉज़ वायरसेस को आप लिविंग में भी नहीं रख सकते और बायोटिक और ए बायोटिक किसी डिजीज़ में नहीं रख सकते एज यू नो दीज आर लिंक बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग एंटिटीज़ तो इन डिजीज़ेस को जो कि वायरस और वायराइड से होती हैं हम उनको मीज़ो डिजीज़ के अंदर स्टडी करते हैं ओके okay. नाउ बाकी अब वन बाय वन हम जो टर्म्स यूज़ uh, करेंगे उनको आपको डेफिनेटली आपको ये पता होना चाहिए तो वॉट इज़ डिजीज़ सीवियरिटी द मेजर ऑफ डैमेज डन बाई अ डिजीज और अमाउंट ऑफ डिजीज प्रेजेंट इन ए पॉपुलेशन इज कॉल्ड इट्स डिजीज सीवियरिटी सब मतलब क्या है इसका कि जिस भी डिजीज से कितना डैमेज हो रहा है वो उसकी डिजीज़ सीवियरिटी है मतलब यदि किसी डिजीज़ से पूरा का पूरा फील्ड ही इन्फेक्टेड हो रहा है या तो उस वो उसकी डिजीज सीवियरिटी क्या होगी हंड्रेड परसेंट हो गई या और तो वो मतलब किसने पॉपुलेशन क्रॉप की इफेक्ट हो रही है वो चीज़ की डिजीज़ सीवियरिटी कहलाती है डिजीज़ इंसिडेंस क्या होता है नंबर ऑफ़ प्लांट्स इफेक्टेड बाय अ डिजीज़ विद इन ए पॉपुलेशन सपोज जैसे नीचे डायग्राम में आपको पांच प्लांट्स दे रखे हैं। पांच में से एक रेड है मतलब वो डिजीज है बाकी चार क्या है हेल्दी प्लांट्स है तो इंसिडेंस इंसीडेंस क्या होगा इसका वन बाई फाइव दैट इज़ ट्वेंटी परसेंट हो गया दैट मीन्स डिजीज़ इंसिडेंस क्या हो गए जितने भी आपकी फ़ील्ड के अंदर नंबर ऑफ़ प्लांट्स इन्फेक्टेड हैं वो और टोटल नंबर ऑफ़ प्लांट्स से डिवाइड करोगे तो वो उसका डिजीज़ इंसिडेंस परसेंटेज होगा कि कितना डिजीज़ इंसिडेंस हो रहा है दैट मीन्स जैसे जो भी इंसिडेंस ऑफ डिजीज़ ज़्यादा होगा तो डिजीज़ सीवियरिटी नेचुरली ज़्यादा होगी ओके डिजीज़ ट्राइंगल अब डिजीज़ ट्रायंगल का मतलब है कि तीन चीज़ें चाहिए रहती हैं डिजीज़ डेवलपमेंट के लिए क्या क्या चाहिए ससेप्टेबल होस्ट मतलब होस्ट सेंसिटिव होना चाहिए डिजीज़ के लिए दूसरा पैथोजन कैसा होना चाहिए पैथोजन विरुलेंट होना चाहिए मतलब उसमें इन्फेक्शन फैलाने की कैपेसिटी होनी चाहिए और तीसरा क्या है फेवरेबल एनवायरनमेंट होना चाहिए इनवा मतलब पैथोजन को इन्फेक्शन uh, फैलाने के लिए उसके उसका जो फेवरेबल एनवायरनमेंट है वो प्रजेंट होना चाहिए इन तीनों फैक्टर्स में से यदि एक भी फैक्टर मिसिंग है तो डिजीज डेवलपमेंट नहीं होगा फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज आपके पास अक्सेप्टेबल होस्ट है फेवरेबल एन्वायरमेंट है पर जो आपका पैथोजन है वो विरुलेंट नहीं है वो ए विेंट है तो वो डिजीज़ नहीं फैला सकता सिमिलरली यदि आपका पैथोजन भी विरुलेंट है कंडीशंस भी फेवरेबल है पर आपका जो होस्ट है वो रेजिस्टेंट है दैट मीन्स वो फाइट uh, बैक कर रहा है डिजीज़ कॉज करने के लिए और वो डिजीज़ को कॉज नहीं होने देगा तो दैट मीन्स वो तभी भी डिजीज़ डेवलप नहीं होगी थर्ड पॉइंट अपन देखें आपका होस्ट भी जो क्या है ससेप्टेबल है पैथोजन भी विरुलेंट है पर जो कंडीशंस हैं वो फेवरेबल नहीं है मतलब या तो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है या बहुत लो है मतलब जो पैथोजन है वो उन कंडीशंस के अंदर एस्टैब्लिश uh, नहीं हो सकता तो भी डिजीज़ नहीं होगी तो यदि हम इसको जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं इसको हम सर्कल के हिसाब से देखें तो जब ये सेंटर में आप देखें तो जब ये तीनों फैक्टर्स यदि मिलेंगे तो ही डिजीज़ डेवलप होएगी अदरवाइज नहीं होएगी तो ये जो तीनों फैक्टर्स हैं ये मिल क्या कहलाते हैं डिजीज ट्राइंगल ओके नो पैथोजेनेसिटी क्या होती है जैसा नाम से पता चल रहा है इट इज़ द कैपेसिटी ऑफ अ पैथोजन टू कॉज डिजीज़ किसी भी पैथोजन को डिजीज कॉज करने की क्षमता क्या कहलाती है पैथोजेनेसिटी कहलाती है और पैथोजेनेसिस क्या होता है इट इज़ द चेन ऑफ इवेंट्स दैट लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ डिजीज इन द होस्ट मतलब जो भी वो प्रोसेस चल रहा है ना पैथोजेनेसिस मतलब इन्फेक्शन हुआ फिर डेवलपमेंट हुआ फिर सिम्टम्स हुए तो ये सारा का सारा प्रोसेस दैट इज द इट इज द सिकवेंस ऑफ प्रोग्रेस इन डिजीज डेवलपमेंट फ्रॉम द इनिशियल कॉन्टैक्ट बिटवीन द पैथोजन एंड इट्स होस्ट टू द कंप्लीशन ऑफ द सिंड्रोम मतलब इनिशियल कॉन्टैक्ट से लेके लास्ट के सिम्टम डेवलप होने तक के जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है पैथोजिनेसिस कहलाती है ओके नेक्स्ट अब तीन टर्म्स हैं साइन सिम्टम्स एंड सिंड्रोम तो साइन क्या होता है द पैथोजन और इट्स पार्ट्स और प्रोडक्ट सीन ऑन द होस्ट प्लांट सपोज आप कोई लीफ देख रहे हो या कुछ उसमें आपको दिख गया कोई ना कोई पैथोजन का पार्ट दिख गया कोई स्पोर दिख गया तो वो यदि पैथोजन और उसका पार्ट यदि आपको दिख रहा है होस्ट पर तो वो सिर्फ साइन है सिम्टम क्या होएगा एक्सटर्नल और इंटरनल रिएक्शंस और ऑल्टरेशन ऑफ ए प्लांट एज अ रिजल्ट ऑफ द डिजीज़ उसके बाद जब जब इन्फेक्शन हो चुका है मतलब जो आपका पैथोजन है वो एंटर हो गया है और उसने एंटर कर करके क्या कर लिया है ऑल्टरेशंस कर दिए उसके स्ट्रक्चर के अंदर या कुछ सिम्टम्स शो कर लिए कोई स्पॉट्स आ गए हैं या कोई रैशेज आ गए हैं तो वो क्या कहलाएगा सिमटम्स कहलाएगा अब सिंड्रोम क्या होता है इट इज़ uh, मतलब जो अलग अलग सिम्टम्स हैं सपोज लीफ पे स्टार्ट हुए फिर स्टेम पे भी हो गए या फिर वो इन्फ्लोरसेंस पे भी हो गए तो जो सीरीज ऑफ सिम्टम्स हैं वो क्या कहलाते हैं कलेक्टिवली सिंड्रोम दैट मीन्स इट इज़ द सेट ऑफ वेरिंग सिम्टम्स करेक्टराइजिंग अ डिजीज़ आर कलेक्टिवली कॉल्ड अ सिंड्रोम दैट मीन्स ये क्या होता है इट इज़ सीरीज ऑफ़ सिम्टम्स ऑफ अ डिजीज़ जो कि अलग अलग टाइम पर सिम्टम्स रिड्यूस हो रहे हैं अलग अलग पार्ट्स पे वो कलेक्टिवली कहलाते हैं सिंड्रोम अब मैंने बार बार कुछ टर्म्स यूज़ की विरुलेंट क्या होता है ई विरुलेंट तो वो आपको आप पहले भी पढ़ चुके हो तो विरुलेंस क्या होता है इट इज़ द डिग्री ऑफ पैथोजेनेसिटी ऑफ अ गिवन पैथोजन मतलब कि पैथोजेनेसिटी क्या है कैपेसिटी टू कॉज डिजीज़ तो किसी भी पैथोजन की डिजीज कॉज करने की कैपेसिटी को हम विरुलेंस कहते हैं यदि वो डिजीज़ कॉज करता है दैट मीन्स वो विरुलेंट है तो विरुलेंट क्या हो गया इट इज़ द केपेबल ऑफ कॉजिंग अ सीवियर डिजीज़ जो केपेबल है पैथोजन वो क्या कहलाएगा विरुलेंट कहलाएगा और ए विरुलेंट या नॉन विरुलेंट हो जाए ये जो कि नॉन पैथोजेनिक होता है मतलब वो प्रेजेंट तो है पैथोजन पर वो डिजीज कॉज नहीं कर सकता ओके नाउ इन्फेक्शन इन्फेक्शन क्या है इट इज़ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ पैरासाइट इन अ होस्ट प्लांट जो भी आपका पैरासाइट है या पैथोजन है वो होस्ट के अंदर एस्टैब्लिश हो गया दैट मीन्स उसने इन्फेक्शन कॉज कर दिया है लेटेंट इन्फेक्शन क्या है वेयर द होस्ट इज़ इन्फेक्टेड विद द पैथोजन बट डज नॉट शो एनी सिम्टम मतलब यदि आप सेक्शन काटेंगे तो आपको उसके माइसीलियम या इसपोर्ट तो आपको नजर आएंगे पर एपरेंटली यदि आप एक्सटर्नली देखेंगे तो यू विल नॉट फाउंड एनी सिम्टम दैट मीन्स होस्ट तो जो पैथोजन आपका प्रेजेंट है होस्ट के अंदर पर एक्सटर्नली देखने पर कोई भी सिम्टम शो नहीं कर रहा है फिर है इन्फेक्शियस डिजीजेज इन्फेक्शियस डिजीजेज जैसे कि जो कि जो डिजीजेज हैं दैट इज़ कॉज बाई ए पैथोजन विच कैन स्प्रेड और ट्रांसफर फ्रॉम अ डिजीज़ टू अ हेल्दी प्लांट मतलब वो एक लिविंग एक डिजीज प्लांट से स्पोर के थ्रू या किसी एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स के थ्रू किसी के भी थ्रू वो एक हेल्दी प्ला डिजीज प्लांट से दूसरे हेल्दी प्लांट में जो ट्रांसफ़र हो सकती है तो वो कहलाती है इन्फेक्शियस डिजीजेस नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़े क्या हैं ये वो डिजीज़ हैं जो कि ए बायोटिक एजेंट से या एनवायरमेंटल फैक्टर्स से होती हैं इसलिए क्या होएगा वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकती एक प्लांट से दूसरे प्लांट को ये है अब क्या है सपोज़ ये जो एक तो होता है मोनोसाइक्लिक मोनोसाइकिल डिजीज साइकिल होता है और एक है पॉलीसाइक्लिक मोनोसाइक्लिक का क्या मतलब है कि एक सीजन के अंदर ही सपोज़ ये इनाक्यूलम हुआ फिर इन्फेक्शन हुआ और वापस से क्या होगा सीजन आपका आ, उस जो भी पैथोजन है उसका सीजन ख़त्म हो गया पर जब प्राइमरी इन्फेक्शन के बाद प्राइमरी इनाक्यूलम बना फिर उसके बाद सेकेंडरी इनाक्यूलम भी बनता रहता है और वह विद इन द साइकिल मूव होता रहता है तो उसे हम कहते हैं पॉलीसाइक्लिक ये प्राइमरी शन और सेकेंडरी इंफेक्शन साइमल्टेनियसली चलते रहते हैं जब हम कोई जेनेरा या कुछ पढ़ेंगे तब आपको ये डिटेल में समझ में आ जाएगा नाउ वॉट इज सबल ससेप्टेबल और रेजिस्टेंट मैंने दो टर्म्स पहले यूज़ की तो ससेप्टेबल क्या है लैकिंग द इनहेरेंट एबिलिटी टू रेजिस्ट डिजीज और अटैक बाय अ गिवन पैथोजन नॉन इम्यून मतलब इनके अंदर ये एबिलिटी नहीं होती कि वो जो पैथोजन है उसकी वो रेजिस्ट कर सके उसका विरोध कर सकें रोक सकें तो ऐसे होस्ट क्या कहलाते हैं ससेप्टेबल होस्ट टॉलरेंस क्या होगी इट इज़ द एबिलिटी ऑफ ए प्लांट टू सस्टेन द इफ़ेक्ट्स ऑफ अ डिजीज़ विदाउट डाइंग और सफरिंग सीरियस इंजरी और क्रॉप लॉस मतलब वो इन्फेक्शन तो हो गया उनको पर वो जो क्या करते हैं लेकिन सस्टेन द इफ़ेक्ट्स ऑफ अ डिजीज़ मतलब वो बहुत उसको जो डिजीज़ डेवलपमेंट को वो बिना किसी सीरियस इंजरी के उसको टॉलरेट कर सकते हैं डिसइफेक्टेंट्स क्या है अ फिजिकल और केमिकल एजेंट दैट फ्रीज़ अ प्लांट ऑर्गन और टिश्यू फ्रॉम द इन्फेक्शन मतलब आपने सपोज कोई सरफेस स्टेलाइजेशन कर दिया या कोई क्लोराइड का स्प्रे किया तो वो क्या कहलाएगा डिसनफेक्टेड कि उससे क्या होएगा उसको जो स्टेलाइजेशन हो जाएगा उसका डिसइनफेक्टेंट हो जाएगा डिसइनफेस्टेंट द केमिकल एजेंट दट किल्स और सप्रेस और इनएक्टिवेट्स द पैथोजन इन द एन्वायॉयमेंट और ऑन द सर्फेस ऑफ अ प्लांट और प्लांट ऑर्गन बिफोर इन्फेक्शन टेक्स प्लेस ओके तो डिसइनफेस्टेंट मतलब जो कि सर्फेस स्टिलाइजेशन के लिए होता है डिसइनफेक्टेंट जो कि आपके टिश्यूज़ को भी डिसइनफेक्शन से या इन्फेक्शन से रोक सकता है तो डिसइनफेक्टेंट एंड डिसटेंट्स ये दो टर्म्स हैं जो कि आपको डिफ्रेंस आपको पता होना चाहिए नाउ ट्रांसमिशन क्या है द ट्रांसफर और स्प्रेड ऑफ ए पैथोजन फ्रॉम वन प्लांट टू अन वो क्या कहलाएगा उसका ट्रांसमिशन कहलाएगा रेजिस्टेंट क्या है प्रोग पजेसिंग क्वालिटीज दैट हैंडल द डेवलपमेंट ऑफ अ गिवन पैथोजन और इन्फेक्टेड लिटिल और नॉट एट ऑल मतलब यदि उसमें रेजिस्टेंट क्वालिटीज़ हैं तो वो क्या करेगा uh, रोक लेगा पैथोजन को डेवलप होने से या एंटर होने से इट वोंट लेट इट कम इन साइड इट्स बॉडी दैट मीन्स जो पैथोजन है वो होस्ट की बॉडी में एंटर नहीं हो पाएगा तो वो होस्ट कहलाते हैं रेजिस्टेंट होस्ट वैक्टर क्या है एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म ये इंसेक्ट हो सकता है माइट बर्ड निमेटोड पैरासिटिक और प्लांट कुछ भी प्लांट्स या ह्यूमन बींग्स भी हो सकते हैं दैट ट्रांसमिट सब पैथोजन फ्रॉम एन इन्फेक्टेड ऑर्गेनिज्म टू एन अन इन्फेक्टेड वन वो क्या कहलाते हैं वैक्टर्स कहलाते हैं ओके okay. इसके अलावा भी कुछ टर्म्स जो माइक्रोलॉजी की हैं जो मैं आपको प्रीवियस के अंदर बता चुकी हूँ तो प्लीज़ गो थ्रू दोज बिफोर स्टार्टिंग द मेन सिलेबस जो कि जो जो भी आप नेक्स्ट डिजीजेज वगैरह पढ़ेंगे उसके अंदर सपोज़ उस पैरासाइट्स लाइक ओब्लीगेट पैरासट्स क्या होते हैं आ, सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट्स क्या हैं या फैकल्टिटिव पैरासाइट्स क्या होते हैं उसके बाद और भी जो जनरल फंगस के या बैक्टीरिया के चीज़ें हैं वो आपको जो कि आप प्रीवियस में पढ़ चुके हो वो आपको हम मान के चलेंगे फाइनल में कि वो आपको आती हैं तो ये कुछ टर्म्स थी ओके सो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ प्लांट पैथोलॉजी की थैंक यू सो मच